Jag har chans för alla vad jag gör då. Jag hittar klubben som om vardag. हेलो, बोर्ड दिख रहा है? अच्छा ठीक, अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। देखो, एक इधर देखो, कल से बेटा नया चैप्टर चालू होगा मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस में आप लोग बिल्कुल भी गैप नहीं करना। अगर आपने गैप किया तो पूरा चैप्टर, मतलब क्योंकि स्टार्टिंग से ही उसमें क्या रहेगा, कंसेप्ट रहेंगे पूरे, और पूरे चैप्टर में कंसेप्ट ही हैं, पूरे चैप्टर में कंसेप्ट ही हैं उसमें, मतलब कंसेप्ट बेस्ड ही चैप्टर है। अगर कंसेप्ट पता है, मतलब तरीका पता है, क्या चीज है, क्या कौन सी चीज, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, मैं 9 तक करवा दिया था, 10th वाला देखो बेटा। हाँ बेटा बोलो। हाँ, हम लास्ट में जरूर बता देंगे, अभी क्या है ये करवा दें, लास्ट में हम आपको बता देंगे, है ना, ठीक है। ये निपट जाए, इसे ये एक्सरसाइज निपट जाए, जिससे कल का टेंशन नहीं रहेगा, है ना। 1 + sin x। हाँ बेटा, हमने कल ये बोला था कि ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को बहुत मिलेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में मिलेंगे, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को सीखना है कि इनको कैसे हमें सॉल्व करना है। एक मिनट, मैं देख रहा हूं क्यों दिख रहा है, एक मिनट देख रहा हूं। सॉरी। हाँ अब बताओ बेटा कैसा दिख रहा। हाँ अनु बेटा देखना, अनु एक क्लास 11 से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो क्लास 11 से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देख ला कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, या आपने कहीं पर पढ़ा है ना, पढ़ा हो समझा हो तो देखना बेटा। अच्छा हम क्या, एक बेटा क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन होता है, बोलो होता है, पढ़ा था कि नहीं। अब बेटा एक्स की जगह कुछ भी लिख दो, जरूरी थोड़ी ना कि एक्स ही लिखो, आप 2x लिख दो, 5x लिख दो, लेकिन दोनों के एंगल सेम होने चाहिए। साइन स्क्वायर लिखा है एक्स तो उधर भी कॉस स्क्वायर में एक्स ही होना चाहिए, अगर साइन स्क्वायर में लिखा है वाई तो कॉस स्क्वायर में भी वाई होना चाहिए। तो मैं इस वन की जगह, ध्यान से देखना बेटा मैं कैसे कर रहा हूं, साइन स्क्वायर एक्स वाई टू लिख रहा हूं और कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू लिख रहा हूं। अभी पता चलेगा क्यों लिखा है, क्यों इसकी जरूरत थी। बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था हाफ एंगल का, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जल्दी, बताओ। गलत बात है यार बेटा, ऐसे तो फिर कैसे सीख पाओगे। हाँ 2 sin x cos x। अब बेटा 2 sin x cos x है, इधर 2x है इसलिए वहां पर x आया, यहां पर अकेले x है तो एक्स वाई टू आएगा कि नहीं, 2 sin xy2 cos xy2 प्लस अंडर रूट, इधर भी लिखा साइन स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस 2 sin xy2 cos xy2, ठीक है, अपॉन अंडर रूट। बेटा सेम चीज है, इधर लिखना है आप लिख लेना, बीच में बस माइनस रहेगा, सेम चीज, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम एज इट इज। समझ रहे हैं ना बात को कि नहीं समझे, मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सेम लिखना है, लिख लोगे। अच्छा क्या श्रुति, ये बताओ बेटा
क्या ये आपको a प्लस b का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा है? देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं, हाँ तो मैं लिख रहा हूं cos एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर, और बीच में प्लस लगा दो, और इधर अंडर रूट में क्या लिख दो, cos एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर माइनस कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू। बताओ अनु, कोई दिक्कत है यहां पर? अब देखो बेटा, यहां तक आपको स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है कि नहीं? श्रुति, हो जाता है कि नहीं? हाँ बेटा, जैसे ही स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो आपके इधर बचा बचेगा कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू प्लस कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू अपॉन कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू। बेटा ये माइनस अंदर जाएगा तो इनके साइन को चेंज कर देगा, ये प्लस का है तो माइनस का कॉस एक्स वाई टू कर देगा, और ये माइनस का है तो प्लस का साइन एक्स वाई टू कर देगा। बोलो, ये इधर से इधर चला गया, ये इधर से इधर चला गया। अब आप बोलोगे, सर आपने कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू क्यों लिखा? आप साइन एक्स वाई टू प्लस कॉस एक्स वाई टू भी तो लिख सकते थे। बेटा हमें ऊपर क्या हटाना है? ऊपर साइन को हटाना है, कॉस को लगाना है। क्यों? क्योंकि कॉस इधर कॉट होगा। हाँ इधर कॉट है, क्योंकि बेटा कॉट कैसे बनता है? कॉट बनता है कॉस अपॉन साइन से बनता है, तो हमें ऊपर साइन कॉस चाहिए, नीचे साइन चाहिए। बोलो इतना आ गया कि नहीं? पहले इतना सोच लो आराम से कोई। हाँ हाँ पूछो पूछो बेटा। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक देखो बेटा, ये क्वेश्चन था हमारा, इस क्वेश्चन को करने का तरीका ही ये होता है, या दूसरा तरीका ये होता है कि इसको रेशनलाइज कर दो। क्या कर दो? रेशनलाइज कर दो, नीचे वाले पार्ट को रेशनलाइज कर दो। हम रेशनलाइज नहीं कर रहे हैं, हम इस वाले तरीके से, क्योंकि आप इससे फॉर्मूले भी सीख रहे हैं और वे ऑफ डूइंग भी सीख रहे हैं। तो आप जानते हो, वन की जगह हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, हमने हर जगह लिख दिया। फिर ये क्या बन गया? ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया प्लस का, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया माइनस का, ये अंडरस्टैंड? चलिए बेटा एक मिनट, एक मिनट बेटा मैं कर रहा हूं। चलिए ठीक है। हाँ आगे, ये आ गया कहीं और डाउट किसी को? कहीं पर और डाउट, कोई प्रॉब्लम? चलिए ठीक है। हाँ आगे, ये आ गया कहीं और डाउट किसी को? कहीं पर और डाउट, कोई प्रॉब्लम? चलिए ठीक है। नहीं हाँ
हाँ ठीक है, अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 12th वाला देखो। 12th वाले में क्या है, 9π/8 -9/4। देखो मैं प्रूफ कैसे करवा रहा हूँ ये चीज देखो आप, तो है ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ए अप्रोच 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन वन 2√2/3। ठीक है, हम LHS ही ले सकते हैं, LHS ही ले सकते हैं बेटा, हम LHS ले रहे हैं। ठीक है बेटा, टेकिंग LHS। बेटा इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, बताओ क्या कॉमन आ रहा है, अनु बताओ क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 9/4। ठीक है, अब देखो श्रुति इधर मैं क्या बचेगा कॉमन लेने के बाद, यही बचेगा, बताओ श्रुति। श्रुति बचेगा कि नहीं, अरे श्रुति बोल दो, चलिए देखिए कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो बोल दो, समझ में आ गया तो बोल दिया करो, है ना। साइन बस आप इसका मल्टीप्लाई करो अंदर, तो को ए ही आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करो ए आ जाएगा। साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या होता है बेटा, π/2 होता है कि नहीं, एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। अगर मैं इस साइन वर्स एक्स को उस साइड ले जाऊं, अगर मैं इस साइन इनवर्स एक्स को उस साइड ले जाऊं तो क्या बचेगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ए वाला फॉर्मूला इधर लग जाएगा कि नहीं, ऐसे ही लिखा है देखो बेटा, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या है, कॉस इनवर्स एक्स। अरे लग जाएगा, अब मैंने इधर लगा दिया बेटा, तो इधर क्या बन गया, 9/4 कॉस इनवर्स 1/3, इधर एक्स क्या है 1/3 है, तो 1/3 रख दिया ना। अब बेटा एक चीज और, एक चीज और, देखिए बेटा अच्छा कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे क्या आएगा, ट्रायंगल बनाया 1/3, ये क्या आएगा बेटा, 2√2 आएगा कि नहीं आएगा, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर क्या होता है, 2√2/ हाइपोटेनस, बोलो हो गया कि नहीं। संध्या बताओ, विवेक कहीं पर दिक्कत, मतलब सिंपल सा है, आपको सिंपल फंडा लगाना है, कॉमन लिया आपको ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ, इस वाले फॉर्मूले यूज होने के बाद कॉस में आ गया, कॉस में आने के बाद आपको इधर दिख रहा है कि साइन में लिखा है, तो आपको साइन में कन्वर्ट करना है, लेकिन कैसे कन्वर्ट करोगे भाई, ट्राइंगल लॉ तो लगा, ट्राइंगल पाइथागोरस को लगाना ही पड़ेगा ना, पाइथागोरस लगा दिया, निपट गई कहानी। आज भी कुछ क्वेश्चन हम आपको भेजेंगे, सॉल्व करिएगा, ठीक है, हम संध्या आपका बताते हैं लास्ट में बताते हैं ना। और किसी को डाउट इसमें, चलो ठीक है। अब बेटा हमारे जो क्वेश्चन आए 13 से वो सॉल्व करना है, सॉल्व माने एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो जैसे पहला वाला है 13 वाला, 2 tan inverse cos x, है ना। आप लोग माइंड में सोचो कि सर अब ऐसा करेंगे आगे, सर अब ऐसा करेंगे आगे,
और हम क्या वैसे ही करते हैं जैसा आप सोच रहे हो? अगर ऐसा हो गया तो समझ लो आप मैथ्स में बहुत आगे जाने वाले हो, है ना? आप माइंड में, हम नहीं कह रहे कि आप सॉल्व करो या कुछ करो, आप बस ये देखो जो मैं कर रहा हूं क्या वही आप सोच रहे हैं, जो मैं कर रहा हूं क्या वही आप सोच रहे हैं, है ना? सिर्फ ये देखो, आप देखो बेटा, आप जानते हो एक फॉर्मूला, अनु बेटा टेन टू टेन वर्स एक्स का फॉर्मूला आता है क्या? हेलो, चलो बेटा, टू टेन इनवर्स एक्स का हमें टेन इनवर्स में ही चाहिए, क्योंकि तभी तो टेन से टेन काट पाओगे। तो होता है टू टेन, सॉरी टू क्या होता है, हाँ टेन, हाँ टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन, हाँ बेटा बोलो बोलो, सही बात है। हाँ तो इसी इसी तरीके से यहां लगा देंगे बेटा, टेन इनवर्स 2x मतलब 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। इधर क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स 2 cos x, मतलब tan इनवर्स से tan इनवर्स लुढ़क जाएगा, क्या बचेगा 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या होता है बताओ मुझे जरा, साइन स्क्वायर एक्स तो लिख सकते हैं ना कि नहीं लिख सकते हैं, है ना? साइन स्क्वायर एक्स, चलो बेटा टेन वर्स से टेन वर्स तो लुढ़क गया था, क्या होता था 2 कॉस एक्स, और 2 कॉस एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं ना 2 साइन एक्स। अच्छा 2 से 2 तो हट जाएगा, ये वाला टू इस वाले टू से हट जाएगा, इधर क्या बचेगा कॉस एक्स साइन एक्स, और इधर क्या बचेगा साइन स्क्वायर। अब बेटा क्या होगा, इसको मैं उधर ले आया, कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, साइन एक्स कॉमन ले लें, और अंदर क्या बचेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। अब बेटा क्या हुआ, दो नंबर का अगर मल्टीप्लाई 0 होता है तो या पहला वाला 0 हो या दूसरा वाला 0 हो या दोनों 0 हो, ऐसे ही होता है ना? तो कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, बेटा अब इस कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स मतलब यहाँ कॉस एक्स और साइन एक्स क्या होता है बेटा, कॉस एक्स और साइन एक्स कहाँ पर इक्वल होता है बताइए? अरे बता दो भैया, कॉस एक्स और साइन एक्स कहाँ पर इक्वल होता है? अरे चलो भैया लो तुमको और सिंपल कर दे रहे, ये हो जाएगा टेन एक्स, ये नीचे आएगा तो टेन एक्स हो जाएगा। अब टेन एक्स बन कहाँ पर होता है ये बता दो, 45 पे होता है ना, और साइन एक्स कहां पर 0 होता है, 0 ही पे 0 होता है। अब हमें बताओ बेटा इन दो में से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, क्या 0 करेगी क्यों सेटिस्फाई, क्या 0 सेटिस्फाई करेगी क्यों नहीं करेगी, ये बताओ बस। क्यों नहीं करेगी अनु श्रुति, क्यों नहीं करेगी बताओ? हाँ क्यों नहीं करेगी, हाँ अब समझ गए, बहुत बढ़िया, एक नंबर आंसर। क्योंकि इसको हम निगलेक्ट करेंगे, निगलेक्ट इसलिए करेंगे बेटा क्योंकि कॉसेक पे 0 रखने पर नॉट डिफाइन आता है, कॉसेक पे कॉसेक
क्या होता है, इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइन आता है, तो हम नॉट डिफाइन नहीं रख सकते क्योंकि इसका तो सॉल्यूशन निकालना है, और निकालना है तो वो सॉल्यूशन देगा ना उस वैल्यू पे, और सॉल्यूशन किस पे देगा, पाई बाई फोर पे। अंडरस्टैंड, इधर लिख लो साइज में, वी निगलेक्ट जीरो, वी निगलेक्ट जीरो बिकॉज कॉसेक एक्स नॉट डिफाइंड ऑन जीरो। चलिए देखिए बेटा, तो ये कॉस भी निगलेक्ट है ना, क्योंकि जीरो को इसलिए निगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि कॉसेक एक्स क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है ना, नॉट डिफाइंड एट जीरो है ना, एट जीरो। आया समझ में बच्चों, आ गया समझ में? चलिए देखिए आगे, देखिए 14th वाला। फोर्टींथ वाले में श्रुति देखो बेटा, घर पे इनको फिर से लगाओ है ना, कि बिना देखे लगाओ कि आप पे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, और फिर से अगर नहीं बने तो फिर से लगाओ, भले ही थोड़ा समय ज्यादा लगेगा लेकिन आप फतेह कर लेंगे। अरे टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स 1 अपॉन 2 10। ठीक है, ये है ना बेटा, सॉरी 1 अपॉन 2 माइनस है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ गए इतना? यही है ना क्वेश्चन बेटा, माइनस। अच्छा वो लंबा लगा है, ठीक है समझ गया मैं, माइनस नहीं है ना। ठीक है, अब बेटा आप देखो बड़े आराम से कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, इस 2 को उधर पहुंचा दो, 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। बेटा 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला अभी यार लिखा है अनु, देखो लिखा है कि नहीं लिखा, देखो इधर लिखा है श्रुति है ना, तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला हम लगा देंगे, और क्या होता है 2 tan इनवर्स का, 10 इनवर्स 2 x। बेटा सॉल्व करो, हमसे पहले सॉल्व करो, हमसे पहले सॉल्व करो, 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 इनवर्स x। चलो सॉल्व करो, हम रुके हैं 2 मिनट, रुके हैं, करो सॉल्व। बताओ क्या आंसर आएगा, x की क्या वैल्यू आएगी? अच्छा हाँ, उधर पहुंचा दिया बेटा है ना, इधर लिखा नहीं है, चलो 10 बार।
बेटा एक से एक ये कट जाएगा, ये घूम के ऊपर चला जाएगा, ये साइड में लिखा है ना, साइड में 10 से 10 काट ही दे रहा है ना, बार बार क्यों लिख रहा है ना, काट दे रहा है। 2 1 - x 1 + x अपॉन 4x इक्वल टू x। बोलो बेटा इधर तक समझ में आया कि नहीं, पहले इधर तक बताओ, अगर जहां भी समझ में नहीं आया तो बताओ, संध्या बताओ बेटा कहां समझ में नहीं आया। अनु आपको, चलो आगे करते हैं ना। देखो बेटा ये आगे आंसर है, विवेक हमको ये बताओ तुमको कहां समझ में नहीं आया विवेक। देखो ये सॉल्यूशन वगैरह तो ये 9-10 की चीजें हैं, अगर आपको यहां भी नहीं आया तो हम यहां पर भी बता देंगे, बताओ कहां पर नहीं आया। श्रुति आपको, मैंने इस 2 को इस 2 से काट, इस 2 को इस 4 से काट दिया है ना, फिर इस 2x को इधर ले आए, ठीक है, आप उसको देखोगे सर ने क्या किया है और ऐसा क्यों किया, अगर नहीं आया तो मुझसे पूछो भी कि सर मुझे नहीं आया। आ गया है ना, इसमें मतलब कुछ है ही नहीं है, मतलब लड्डू क्वेश्चन है यार, लड्डू कुछ मतलब कुछ नहीं है इसमें, करने को कुछ नहीं है ना। अच्छा चलिए एक और देखते हैं, 15 वाला देखते हैं, टेंशन नहीं लो संध्या हम तुम्हारा बता कर जाएंगे है ना। 15 वाला 5 मिनट अच्छा है एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे बता कर। अच्छा साइन टेन इनवर्स, ये तो लड्डू से भी लड्डू क्वेश्चन है बेटा, हलवा क्वेश्चन है। देखो तुम इधर देखो, ये ट्राइंगल बनाया, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ये बेचारा ये क्या आएगा, अरे बोल तो भाई 1 + x² आएगा क्या तू। अनु कुछ तो बोलो बेटा, आया कि नहीं आया है ना, आया कि नहीं, साफ नहीं दिख रहा, एक मिनट, किसी को साफ नहीं दिख रहा क्या, बिल्कुल क्लियर जा रही है वीडियो बेटा यहां से एकदम। है ना, तो इधर क्या आ जाएगा बेटा, साइन इनवर्स, साइन में क्या होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन से साइन हट जाएगा, क्या बचेगा बेटा एक्स अपॉन अंडर रूट 1 + x² बताओ, कहीं कहीं पर भी ऐसी चीज हो जो आप पे नहीं बन सकती हो तो बोलो। हाँ बोलो बोलो बेटा, किसी के नीचे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, बन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। हाँ आगे 16 वाला, साइन इनवर्स 1 - x, आज वीडियो बनने बनना नहीं बन पाई शायद है ना, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम जा रही है, उसको मोबाइल सही नहीं है हमारा, बहुत दिक्कत करता है। इक्वल टू 5/2,
बोलो क्वेश्चन यही है कि नहीं है कि नहीं है? आप इसको कई तरीके से कर सकते हो बेटा। आप यहाँ पर 2 sin 1 का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, है ना। डिफरेंट डिफरेंट तरीके आप अपना सकते हो, इट्स योर चॉइस, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन सॉल्व इट। बट लेकिन हम जो अपना रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उससे करें, है ना। मैं साइन वर्स एक्स को क्या मान रहा हूं बेटा? थीटा। लेट तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? अनु बेटा कहीं दिक्कत है यहां पर? हाँ, अब इधर देखो बेटा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 sin थीटा इक्वल टू 5/2। बेटा हमने साइन इनवर्स एक्स, सॉरी 2 थीटा हो जाएगा ओनली। मैंने साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना, तो इधर 2 sin इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या रख सकते? थीटा रख सकते हैं। रख दिया। चलिए आगे देखिए बेटा, इसके आगे अभी 2 थीटा इधर जाएगा, 2 थीटा इधर जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू 5/2 प्लस 2 थीटा। बोलो अभी भी शायद कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मैं बस ले ही तो गया। अच्छा इधर साइन है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर उधर जाएगा तो ऐसा बन जाएगा, हाँ, साइन 5/2 प्लस 2 थीटा। अच्छा आपको ये भी पता होगा साइन 180 सॉरी 90 माइनस 90 प्लस थीटा क्या होता है? अरे बता दूँ, कॉस 2 थीटा आ जाएगा, क्योंकि यहां पर 2 थीटा है ना, इसलिए। अच्छा बेटा अभी हाफ एंगल का फॉर्मूला बताया था मैंने, एक्स की जगह साइन थीटा तो मैंने यहां से रख दिया, कॉस 2 थीटा में हाफ एंगल में तोड़ेंगे साइन के फॉर्म में तो क्या आएगा? साइन के फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या आएगा, जल्दी बताइए आप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, किसने बताया? एकदम करेक्ट बताया, जिसने भी बताया एकदम करेक्ट बताया। बन से बन उड़ जाएगा, बोलो उड़ जाएगा कि नहीं? अरे बोलो बन उड़ जाएगा कि नहीं? उड़ जाएगा ना। माइनस माइनस उड़ जाएगा, उड़ जाएगा कि नहीं? उड़ जाएगा। ये बेचारा इधर आ जाएगा, चलो इधर आया, साइन थीटा माइनस 2 sin² थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा कॉमन ले लिया मैंने, और इधर क्या बचेगा? 1 माइनस 2 sin थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा एक तो हो जाएगा साइन साइन थीटा 0, और एक क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 sin थीटा 0। एक तो थीटा की वैल्यू 0 आएगी, और यहां पर थीटा की वैल्यू 1/2 कहां पर होती है बेटा? 5/6 पर। अब ये बताओ बेटा, ये दोनों रख के देखो, इसमें क्वेश्चन कहां गया अपना? क्वेश्चन में रख के देखो कौन सी सेटिस्फाई कर रही है। अगर मैं 0 रखता हूं तो इधर जी 1 में से 0 गया और 0, हाँ, तो इधर पाई, इसमें अगर 0 रखते हैं तो 5/2 आ रहा है, बिल्कुल सही, मतलब इधर 5/2 आ जाएगा। अगर तुम 0 रखोगे तो 5/2 आ रहा है। अब मैं 5/6 रखूंगा, सॉरी 1/2 आया, है ना, है ना, साइन थीटा, हाँ, मतलब तुम्हें मतलब साइन थीटा, एक में साइन थीटा 1/2 आया, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या थी? एक्स थी ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? 1/2।
तो एक्स की जगह वन अपॉइंट टू रखो, तो वन में से वन अपॉइंट टू जाएगा तो साइन वर्स वन अपॉइंट टू, तो इधर से इतने वाले से बचेगा पाई बाई सिक्स माइनस वन अपॉइंट टू रखो तो इधर भी पाई बाई सिक्स, टू इंटू पाई बाई सिक्स, क्या पाई बाई टू आ रहा है क्या? पाई बाई सिक्स माइनस पाई बाई थ्री, क्या पाई बाई टू आ रहा है? इन दोनों को माइनस करोगे नहीं आएगा, बल्कि माइनस का पाई बाई थ्री आएगा। डाउट आप यहां पर समझो बेटा, इसको मैं निगलेक्ट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। व्हाई आई एम निगलेक्टिंग दिस? बिकॉज दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। अगर हम इधर x की जगह 1 बाई टू रखते हैं तो हमें माइनस का पाई बाई थ्री मिलता है, जो कि हमें चाहिए क्या है? पाई बाई, चाहिए क्या है? पाई बाई टू। अच्छा संध्या, तुम्हारा क्वेश्चन कौन सा था? नाइन्थ वाला ना बेटा? एक मिनट में कॉपी लिया। हाँ जीरो करेगा, केवल केवल क्या करेगा? जीरो करेगा। मैं एक मिनट, वन अपॉइंट टू नहीं करेगा। कहाँ लिखे थे क्वेश्चन? अरे लेकिन गया कहाँ सर? हाँ मिल गया, देखो बेटा नाइन्थ वाला। और अनु बेटा आप भी करा करो, ट्राई तो किए ही करो ना, जितना एक दो जितने बने है ना। कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा बेटा संध्या, अभी हाल हमने एक ट्राइंगल वाला करवाया। कॉट में क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, मतलब एक्स और वन, ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो संध्या, हाँ कि ना? तो बेटा साइन में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? वन, और हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस क्या है? वन अपॉन अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर। साइन से साइन कट गया, आंसर क्या आ गया? वन अपॉन अंडर वन। बोलो आया संध्या कि नहीं? कल न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, है ना अनु बेटा? श्रुति अब इधर देखो विवेक, ये तुमको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं हमको ये बताओ बेटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है इसलिए बोल रहे हैं, है ना? हाँ हाँ बोलो। अच्छा पाई बाई सिक्स कहाँ रखा? पाई बाई सिक्स नहीं रखा हमने, वन अपॉन टू रखा बेटा एक्स की जगह। एक्स की जगह तो वन अपॉइंट टू तुम रखो तो तुम्हें इधर इधर की कुछ वैल्यू मिलेगी, इधर वन अपॉइंट टू रखो तो इधर की कुछ वैल्यू मिलेगी। उन दोनों को सॉल्व करोगे तो तुम्हें पाई बाई टू नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा। और बताओ और क्या डाउट है? और बताओ बेटा, हाँ मतलब इक्वल टू का सेटिस्फाई, जो दो वैल्यू आई उन दो वैल्यू को मैंने पहले जीरो रखा तो जीरो तो सेटिस्फाई कर रहा है, जीरो रखने पर पाई बाई टू आ रहा है, लेकिन वन अपॉइंट टू रखने पर नहीं आ रहा है, तो वो दिक्कत है। ठीक है ना? चलो ठीक है, फिर लास्ट वाला मैं छोड़ रहा हूं, आप कर लेना। उसमें टेन वर्स ए माइनस टेन वर्स बी का फॉर्म लगना है, ये वाला फॉर्म लगना है, मैं दिखा दे रहा हूं तुमको लास्ट वाले में। देखो विवेक, देखना बेटा, टेन वर्स ए माइनस टेन वर्स बी, और टेन वर्स ए माइनस टेन वर्स बी का फॉर्मूला क्या होता है? टेन वर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी। बेटा ए फॉर्मूला लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और वो आंसर क्या आएगा? पाई बाई फोर आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन
फेमस क्वेश्चन है और आपके ऑब्जेक्ट आने के चांसेस बहुत हैं इस क्वेश्चन के, है ना, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले, ओके बाय।